हाय नमस्कार, मैं सिद्धार्थ नरूला और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। इस समय हम बता दें कि हम ये देखिए शिव मंदिर में पहुंचे, फरीदाबाद के शिव मंदिर में पहुंचे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऐसा बताया जा रहा है कि अंदर जो शिवलिंग होता है, शिवलिंग के ऊपर भगवान शिव की ओम की प्रतिमा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। आस्था है या अंधविश्वास, हम अंदर की ओर चलेंगे क्योंकि ये मंदिर के अंदर काफ़ी भीड़ है। आइए हम अपने कैमरामैन से बोलेंगे कि मंदिर के अंदर की ओर चलते हैं हम। ये देखिए यहाँ पर काफ़ी यहाँ पे श्रद्धालु हमें दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए जो ओम, क्योंकि बात करें तो अंदर ओम का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है शिवलिंग के ऊपर, ऐसा इनका मानना है। ये आस्था है या अंधविश्वास, आइए हम चलते हैं और देखते हैं कि क्या असलियत में ही ओम का प्रतिबिंब शिवलिंग के ऊपर दिखाई दे रहा है। चलते हैं हम अंदर की ओर। हेलो, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग, यहाँ पे श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं, पुजारी जी भी दिखाई दे रहे हैं। पुजारी जी एक बार दिखाइए, क्योंकि सुबह से ये चल रहा है कि शिवलिंग के ऊपर ओम का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। एक बार दिखाइए हमें कि कहाँ पे दिखाई दे रहा है। बंटी, बड़ा मोबाइल ले लीजिए बेटा। आप यहाँ दिख रहे हैं, हाथ हटाइए एक बारी। इधर बन ये देखिए यहाँ पर लोगों की आस्था है। ये देखिए काफी सारे ये जल चढ़ाया जा रहा है। ये देखिए हमें, हम बता दें कि हमें तो अभी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन ये देखिए काफी सारे यहाँ पे श्रद्धालु इस समय मौके पे मौजूद है। और देखिए क्या आप लोगों को ओम का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, आप कमेंट कर सकते हैं। यशपाल गुजर जी कह रहे हैं ओम, एक बार थोड़ी सी जगह दे दीजिए ताकि बन रहा। ये देखिए ऐसा माना जा रहा है कि आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये देखिए आप लोगों को क्या ओम का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये देखिए ऐसा बताया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे पुजारी जी और यहाँ पे काफी सारे श्रद्धालु हैं। एक बार हम पूछते हैं कि कब दिखाई दिया था ये ओम का प्रतिबिंब जो ये कह रहे, क्योंकि हमें तो प्रॉपर अभी भी नहीं दिखाई दे रहा। ये देखिए सबसे पहले दर्शन आपने किया, एक बार बताइए कि कितने बजे? 5:40 पर सुबह मैं पूजा करने आया था तो मुझे पूरा स्पष्ट दिखाई दिया। मैंने अपनी वाइफ को भी दिखाया और उसके बाद पुजारी जी को भी दिखाया। उसके बाद पुजारी जी ने 5-7 लेडीजों को और भी बताया जिन्होंने दर्शन किए हैं। सुबह 5:40 पे सबसे पहले आपने ही कपाट खोले थे? नहीं, कपाट मैंने नहीं खोले थे, वो तो खुले रहते हैं, पुजारी खोलते हैं। पर एक होता है कि देखा किसने, ध्यान किसने दिया, वो वाली बात है। हाँ जी, क्या कह रहे हैं पुजारी जी? मैं जाप कर रहा था, गौतम जी ने मेरे को बताया, तब फिर मैं देखा और सभी को मैं बताया, सभी लोगों ने देखा, लेकिन अभी तक हमें नहीं दिखाई दे रहा कुछ। एक बारी क्योंकि हमारे सारे दर्शक बोल रहे हैं कि अभी तक दिखाई नहीं दिया, क्योंकि कई बार अंधविश्वास भी ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा फैल जाता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि आस्था देखो बहुत ज़रूरी है होना, लेकिन अंधविश्वास कभी नहीं करना चाहिए। आप सभी देख सकते हैं क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आपको भी दिखाई दे रहा है? आपने दर्शन कर लिए क्या? हाँ, मैंने दर्शन किया था, मैं दोबारा आई हूँ दर्शन करने। दोबारा दर्शन करने आए हैं जी। तो Hello? आपने कितने बजे कब दर्शन किए? मैं 11 बजे। इनका कहना है कि बन रहा है, एक बारी दोबारा से देखने की कोशिश करते हैं। एक अखिल श्रीवास्तवा जी कह रहे हैं कि फरीदाबाद के किस मंदिर का, हम बता दें फरीदाबाद के डबुआ कॉलोनी में छठ, जहाँ छठ पूजा होती है उसके बिल्कुल साथ में मंदिर है, शिव पार्वती हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है, 7 नंबर ट्यूबवेल के पास डबुआ कॉलोनी। ये देखिए हम बता दें कि शिव पार्वती हनुमान मंदिर के नाम से जाना जाता है, 7 नंबर ट्यूबवेल के पास डबुआ कॉलोनी फरीदाबाद में। और ये हम दिखा रहे हैं, हम इसको, ये देखिए यहाँ पर आप एक बारी कोशिश कीजिए क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी तक हमें इसमें कोई भी प्रतिबिंब नहीं दिखाई दिया। एक ये बना हुआ है, देखिए ये बना हुआ, हम आपको बिल्कुल ज्यादा जूम करके दिखा रहे हैं, आप एक बारी, छोटा बन रहा है आप देख सकते हैं।
क्या एक ही जगह पे दिखाई दे रहा है? क्योंकि आप जब मैं आया था तो आप लगातार दिखा रहे थे, क्या एक ही जगह पे दिखाई दे रहा है? एक जगह नहीं दिखाई देता, क्योंकि हर जगह दिखाई देता, कभी छोटा कभी बड़ा, कभी मतलब बंद हो जा रहा फिर बन रहा है, ऐसे ऐसे हो करके दर्शन कर दे रहे हैं। क्या क्या पहली बार मैं भी आया था दर्शन करने तो मुझे दिखाई नहीं दिया था, अभी पानी के बिंदुओं से मुझे बड़ा से दिखाई दिया था, जब मैंने खुद दो बार अपने हाथ से देखा है, पहले मुझे भी नहीं दिखाई दिया था, पहले आपको भी नहीं दिखाई दिया था। मैं भी कंफ्यूजन में था, पर अब मुझे डिक्लेयर हो गया था कि हाँ आप दिखाया, जब मैंने खुद अपने आप टैली किया है। हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, हम बता दें कि हम पुष्टि नहीं कर सकते, क्योंकि आस्था जरूर होनी चाहिए लेकिन अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे काफी सारे श्रद्धालु, अगर बात करें तो पुजारी जी भी यहाँ पर है, श्रद्धालु भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। और ये देखिए कोशिश कर रहे हैं, एक बारी हाथ उठाइए, आप एक बारी हाथ उठाइए, क्या आपको दिखाई दे रहा है ये? आप ये देखिए, हमने जूम करके दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए सूखने दो। हम बता दें, हमने काफी कोशिश करी, अभी तक हमें नहीं दिखाई दिया, लेकिन यहाँ पे श्रद्धालु है काफी सारे, और भी लोगों से बात करते हैं। और यहाँ पे ये 10 बजे करीब बिल्कुल साक्षात दिखाई दे रहे थे, और अभी भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा कम मतलब उसमें दिखाई दे रहे हैं। मैं ये सोसाइटी का मंदिर का जो है एक पहल क्लीन समाज सोसाइटी है, ये जो शिवपार्वती हनुमान मंदिर है उसका मैं प्रधान हूँ, और ये वैसे मंदिर का अंदर कार्य चल रहा है, कार्यधीन है, और इस सवेरे 5 बजे करके गौतम जी को 5 बजे करके 40 मिनट पर मतलब ओम, हाँ ओम के जो दर्शन हुए हैं, उसके बाद में सभी लोगों ने दर्शन किए हैं, और तांता लगा हुआ है सुबह से, और इसको अंधविश्वास नहीं माना जा सकता। मैं ये आस्था का विषय है, आप जो है और लोगों से भी मतलब पूछ सकते हैं। पुजारी जी, सावन का महीना चल रहा है, और सावन के महीने में ऐसे ओम के दर्शन होना क्या बात है? सावन का महीना है, भगवान शंकर के दिन है, इसमें ओम का दर्शन हुआ बहुत फलदायी माना जाता है, ऐसा हम समझते हैं, इसलिए हम लोगों ने सबको बताया है। आप लोगों ने, और सुबह से मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है? हाँ, सुबह 5 बजे से ही तांता लगा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए काफी सारे श्रद्धालु की फोन में भी दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे फोन में भी फोटो खींच रखी है। एक बार ये इस तरह से ये देखिए कि हम अब थोड़ा सा मंदिर से बाहर की ओर चलते हैं, और ये देखिए आपको दिखा रहे हैं कि शिव मंदिर यहाँ पर, और हम बताएं कि शिवलिंग के अंदर ओम का प्रतिबिंब दिखना, और वो भी सावन के महीने में, ऐसा श्रद्धालुओं का मानना है, क्योंकि लगातार यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर फोन में फोटो भी खींची और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको आपको दिखाई दे आप ओम नमः शिवाय और जय भोलेनाथ की लिख सकते हैं। पतने उसमें बहुत, आपने काफी सारी फोटो खींच रखी है, बहुत सारी खींच रखी है, इसलिए खींच रखी है। हम बात करें तो आस्था जरूर होना चाहिए, आस्था बहुत जरूरी है, लेकिन अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंधविश्वास के कारण ही बहुत ज्यादा नुकसान होता है, लेकिन आस्था प्रत्येक व्यक्ति को होनी चाहिए। और यहाँ पर ये आस्था का विषय दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ, और सभी जितने भी यहाँ पर श्रद्धालु हमारे को दिखाई दे रहे हैं, सभी ने बोला कि दिखाई दिया है ओम का प्रतिबिंब शिवलिंग के अंदर। इसी प्रकार से हम आपको खबरें दिखाते रहेंगे। सिटी न्यूज़ 100, जय हिंद।